वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाइट बस के बारे में। वैसे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करना है, क्योंकि दो तीन दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की कंपनियां चल रही हैं, यह कंपनी उनमें से अच्छी है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपने कर लिया था मेरे लिंक से ज्वाइन करके, या आपने पहले से कर रखा है, तो प्लीज़ अपना विड्रॉल कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, मैं अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अर्निंग जो मैंने की है दो तीन दिन के अंदर $23 की किया है, क्योंकि मैंने $100 डिपॉजिट करके देखा था, $123 मैंने विड्रॉल कर लिए। एंड मेरे लिंक से अभी तक 65 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था दो दिन के अंदर ही, मैंने लिंक हटा दिया वहाँ से। दोस्तों मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि आपको बढ़ा चढ़ा के बता दूँ, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करते हैं मेरे लिंक से, डिपॉजिट करते, पैसा मुझे आता 100%, ठीक है, लेकिन मुझे वो पैसा चाहिए नहीं, इसलिए मैं और प्लान को भी प्रमोट कर सकता था, आप लोगों को मूर्ख बना सकता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं और यूट्यूबर की तरह वीडियो नहीं बनाता, बड़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ। मैंने इनका प्लान देखा, प्लान भी आपको दिखा देते हैं, और पहले प्लान बताया था मैंने। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप डिपॉजिट करते तो आपका जो प्रिंसिपल है वो लॉक हो जाता है, जैसे कि 5 दिन का यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स दे रखी है, पीरियड दे रखा है, तो 5 दिन के लिए आपका ये लॉक हो जाएगा, 5 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड $100 तक तो ठीक है, 3 दिन तक का है, भाई $100 आप लगाते हैं $6 आपको मिल जाता है, उसके बाद $480 है। एंड 10 दिन के लिए यहाँ पर लॉक हो जाएगा, फिर 22 दिन के लिए लॉक होगा अगला, 38 दिन के लिए, यानी जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाएगा उतने दिन के लिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा बीच के दिनों में, जब पूरे दिन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके मिलेगा। एंड यह जल्दी स्कैम भी करने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप छोटा अमाउंट लगाते हैं वो तो आपको डोले दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपना अमाउंट बढ़ाएंगे ना, आपका पैसा तो लॉक हो जाएगा, या आपका आईडी सस्पेंड भी कर सकते हैं, आपका विड्रॉल बंद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और ये जेन्युइन नहीं होते हैं और ना ही ये लीगल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक स्कैम प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको प्रमोट करके देखते हैं, और मैंने प्रमोट किया, और जितने लोगों ने भी मेरे लिंक से ज्वाइन किया था उनका मैंने पैसा निकलवा भी दिया है। मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि सभी अपना विड्रॉल कर लीजिए, यानी मैंने किसी का कहकर पैसा नहीं लगवाया कि भाई आप इसमें $480 लगाओ, आप इसमें $1000 इन्वेस्ट कर दो। जितने लोगों ने मेरे लिंक से ज्वाइन किया था, मैंने सभी को बोल दिया कि भाई अपना इसमें विड्रॉल ले लीजिए, क्योंकि ये जल्दी स्कैम करने वाला है। तो बस मेरा बोलना ये है कि अगर आपने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे जितना भी कर रखा हो, प्लीज़ इस महीने में कोशिश कीजिए कि आपका सारा पैसा निकल जाए। अगर जल्दी निकलता है जल्दी निकाल दीजिए, लालच में बिल्कुल ही मत आइए, नहीं तो जितना आपने कमाया है ना उससे ज़्यादा आप गंवा देंगे, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता रहता ऐसे प्लान का कि कब स्कैम कर जाए, कुछ नहीं पता रहता है, आज रात को ही बंद हो जाए, चाहे 1 महीने तक चलती रहे, चाहे 2 महीने तक चलती रहे, लेकिन ये स्कैम करेगा जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा लॉक होता है। और इसी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा और मैंने वहाँ से अपना लिंक भी हटा दिया था, जबकि मुझे विड्रॉल भी मिला और आप ज्वाइन करते तो मुझे वहाँ से भी पैसा आता, उसके बावजूद भी मैं आप सभी का पैसा बचवा रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आपका पैसा आपकी टीम है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, मेरा जो फर्ज था कर्तव्य था मैंने आपको बता दिया कि अपना पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर भी स्कैम होने वाला है, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी मार्केट में कंपनियाँ चलती हैं सभी के बारे में पहले ही बता देता हूँ, कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो लास्ट में अपना पैसा गवा देते हैं। मैंने तो कुछ डिसेंट्रलाइज प्लान को भी स्कैम बताया था, वो भी स्कैम करके चले गए, लोगों ने नहीं माना कि ये तो डिसेंट्रलाइज स्कैम कैसे कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कैम करके गए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्कैम करेंगे।
क्योंकि दोस्तों जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बोलता है। अगर आपको भी एक्सपीरियंस होगा तो आप भी लोगों को बताएंगे कि भाई ये स्कैम है, ये रियल है, आप भी बताना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या स्कैम है क्या रियल है, तो वो तो पैसा लगाएंगे ही। तो आज का वीडियो यही था कि अगर आपने बाइटबस में इन्वेस्ट कर रखा है तो पैसा निकाल लीजिए, नहीं तो आपने जितना कमाया नहीं है उससे ज़्यादा आप गंवा देंगे। क्योंकि आप लालच में आते हैं, पहले छोटा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे ज़्यादा करते हैं, फिर उससे ज़्यादा करते हैं, लास्ट में आपको पता लगता है कि कंपनी भाग गई, या आपका विड्रॉल बंद कर दिया, या आपका आईडी ब्लॉक कर दिया। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो प्लीज़ अपना सारा पैसा निकाल लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, एंड कुछ लीडर्स ये भी पूछ सकते हैं कि भाई स्कैम कैसे है, क्योंकि उनको पता नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जो भी ये काम कर रहे हैं डेली रिटर्न देना, यह भारत सरकार की नज़रों में भी इलीगल है। समझ पा रहे हो, यह भारत सरकार की नज़रों में भी इलीगल है। नंबर टू, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इंडिया के कि ये भारत सरकार से इन्होंने मान्यता ली है कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। नंबर थ्री, कोई GST पेड नहीं करते हैं, कोई TDS आपका पेड नहीं कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा जब भी आप विड्रॉल लेंगे। वैसे तो आप एक्सचेंज में लेते हैं, लेकिन एक्सचेंज आप बैंक में भी लेंगे, चाहे P2P के माध्यम से लें, तो वो भी जब आप ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड में बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ना TDS पेड कर रहे हैं, ना कोई GST पेड करते हैं, ना लीगल डॉक्यूमेंट है, ना इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, ना आप ओनर को जानते हैं सही तरीके से। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि ये टोटली इलीगल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक्स।